सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में एक ऐसा डिसीजन दिया गया है जिसके बारे में कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, यदि आप GSTR 3B यानी कि GST की रिटर्न लेट फाइल करते हैं तब भी आपको इंटरेस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टाइमली जो है अमाउंट जमा कर देते हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए डिसीजन जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो अकाउंटेंट हैं या फिर कंसल्टेंट हैं उनके लिए भी ये डिसीज़न जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने क्लाइंट को अच्छे से एडवाइस कर पाएँ। दोस्तों, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें WhatsApp चैनल और Telegram चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको GST के डेली अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। दोस्तों, GST एक्ट में प्रोविज़न दी गई थी कि यदि आप अपनी GST रिटर्न को लेट फाइल करते हैं, ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। दोस्तों, जो अमाउंट आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता था, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि यदि आपने ड्यू डेट से पहले अपना अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर दिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न यानी कि GST की रिटर्न लेट फाइल करते हैं, ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। दोस्तों, अभी तक तो GST डिपार्टमेंट के द्वारा कहा जाता था कि जब आप GSTR 3B की रिटर्न फाइल करते हैं उस वक्त ही आप अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे नहीं माना है। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जब आप अपने टैक्स को जमा कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में GST पोर्टल पे, तो उस वक्त ये माना जाएगा कि आपने अपना टैक्स पे कर दिया है, भले ही आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीज़न दिया गया है उसमें तीन मुख्य बातें हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप यदि अपनी GSTR 3B को किसी भी रीज़न से टाइमली फाइल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि आप अपना टैक्स जो है वो जमा कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में GST पोर्टल पे, तो उस केस में आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, GST एक्ट के अंतर्गत यदि आप अपने टैक्स को जमा कर देते हैं GST पोर्टल पे, तो उस केस में माना जाएगा कि आपने गवर्नमेंट के पास अपना टैक्स डिपॉजिट कर दिया है, क्योंकि GST एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि आपको रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स पे करना होता है। और यदि आपने ये अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर दिया है GST पोर्टल पे, तो ये माना जाएगा कि आपने जो टैक्स है वो टाइमली जमा किया है, इस प्रकार आपके ऊपर जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो नहीं लगाई जा सकती। चलिए दोस्तों, देखते हैं हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीज़न दिया गया है उसमें क्या कहा गया है। दोस्तों, इस केस में टैक्सपेयर के द्वारा GSTR 3B की रिटर्न डिले से फाइल की गई थी क्योंकि GST पोर्टल पे TRAN 1 उपलब्ध नहीं कराया गया था, लेकिन दोस्तों टैक्सपेयर ने जो टैक्स था वो जमा कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टाइमली, तो इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि सेक्शन 39 में GST एक्ट के कहा गया है कि टैक्सपेयर को अपना जो टैक्स है वो पे करना होता है जो लास्ट डेट होती है रिटर्न को फाइल करने की उस दिन तक या उससे पहले। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि आप GST पोर्टल पे GST 3B के जो ड्यू डेट है उससे पहले अपना टैक्स पे कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो उस केस में माना जाएगा कि आपने अपना जो टैक्स ड्यू है वो टाइमली गवर्नमेंट को पे कर दिया है। दोस्तों, इस केस में GST डिपार्टमेंट का ये कहना था कि गवर्नमेंट को टैक्स तभी अवेलेबल होता है जब व्यक्ति अपनी GST 3B को फाइल कर देता है, लेकिन इसे हाई कोर्ट ने नहीं माना। हाई कोर्ट का ये कहना था कि जब टैक्सपेयर अपना टैक्स GST पोर्टल पे जमा कर देता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो उस वक्त ये गवर्नमेंट को अवेलेबल हो जाता है क्योंकि इस केस में पहले जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाता है, उसके बाद ही जो चलान नंबर है वो जनरेट होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट को जो टैक्स वो मिल गया है जब व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट जमा कर दिया है। इसके लिए सेक्शन 49 को भी रेफर किया गया जिसमें कि बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट जमा हो जाता है तो उस वक्त ही टैक्स की पेमेंट मानी जाती है। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि पहले GST का अमाउंट गवर्नमेंट को क्रेडिट किया जाता है और जिस दिन ये अमाउंट क्रेडिट हो जाता है गवर्नमेंट को, उस दिन ही आपको चलान नंबर जो है वो मिलता है और अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाता है GST पोर्टल पे, तो उस दिन ही डेट ऑफ डिपॉजिट माना जाता है।
दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को ये अमाउंट बताना होता है जब वो जीएसटी 3B की रिटर्न को फाइल करता है कि उसने कितना टैक्स पे कर दिया है, और बिना टैक्स पे किए हुए आप जीएसटी की रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा जीएसटी 3B की रिटर्न को भी देखा गया, जिसमें कि मेंशन किया गया है कि टैक्स की पेमेंट कैसे होती है, यानी कि जो टैक्स पेबल है उसमें से कितना अमाउंट आपने ITC के थ्रू पे किया है, कितना TDS और TCS के थ्रू, और कितना आपने टैक्स एक्सेस कैश में पे किया है। तो दोस्तों यहाँ पे ही मेंशन किया गया है कि आपको रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स पे करना होता है, उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार जब आपने अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर दिया है तो ये माना जाएगा कि आपने गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो पे कर दिया है इस एक्सटेंट तक जो कि आप ऑलरेडी जमा कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। दोस्तों यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना था कि जब तक व्यक्ति जीएसटी 3B की रिटर्न फाइल नहीं करता है तब तक गवर्नमेंट इस टैक्स को यूज़ नहीं कर सकती है, इसलिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जो व्यक्ति लेट रिटर्न फाइल करता है और लेट टैक्स पे करता है। यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि जैसे ही जीएसटी कलेक्ट कर लिया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा, वो इसे गवर्नमेंट के पास जमा कर देता है, और जैसे ही गवर्नमेंट इसे कलेक्ट कर लेती है तो उसके बाद गवर्नमेंट का राइट होता है कि उसे कैसे भी यूज़ कर सकती है। और क्योंकि व्यक्ति जीएसटी 3B की रिटर्न लेट फाइल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट इस अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकती है, यूटिलाइज नहीं कर सकती है। इस प्रकार टैक्स पेयर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता है यदि उसने वो अमाउंट ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर दिया था टाइमली। दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जैसे ही आप अपना चालान पे कर देते हैं PMT 6 के जरिए और अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाता है जीएसटी पोर्टल पे, तो उस केस में उस एक्सटेंट तक आपकी जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, बैलेंस लायबिलिटी आपकी डिस्चार्ज होती है जैसे ही आप अपनी जीएसटी 3B को फाइल कर देते हैं। इस प्रकार गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्शन को यूज़ कर सकती है, जो अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपने जमा किया है उसे गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, क्योंकि ये टैक्स पेयर की मनी होती है एक्सचेकर की, और इसे इमीडिएटली यूटिलाइज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 50 की जो प्रोविज़ो है उसे भी कोट किया गया, जिसके अंतर्गत के बताया गया है कि यदि व्यक्ति ड्यू डेट के बाद जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है तो उस केस में उसने जो अमाउंट अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट भी पे करना होता है। दोस्तों हाई कोर्ट ने इस प्रोविज़ो को वैलिड नहीं माना है, क्योंकि जीएसटी एक्ट का एक सेक्शन ये कहता है कि आपको टैक्स जो है वो ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक पे करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के द्वारा पे कर सकते हैं। और दूसरी सेक्शन की प्रोविज़ो यदि ये कहती है कि इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा तो वो प्रोविज़ो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार ये जो सेक्शन 50 की प्रोविज़ो है इसे वैलिड नहीं माना है हाई कोर्ट ने। दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यदि व्यक्ति ड्यू डेट से पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैश जमा कर देता है तो उस केस में उस एक्सटेंट तक उसकी जो जीएसटी लायबिलिटी वो डिस्चार्ज हो जाती है, इसलिए उस पोर्शन पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता भले ही वो जीएसटी 3B लेट फाइल करता है। लेकिन यदि वो ड्यू डेट के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टैक्स जमा करेगा तो उस केस में ही इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों इस जजमेंट से तीन बातें हमारी क्लियर होती हैं। पहली ये कि आप जो टैक्स है वो जमा कर सकते हैं जीएसटी 3B की ड्यू डेट से पहले जीएसटी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए। दूसरी बात दोस्तों, जो आपने अमाउंट जमा कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो माना जाएगा कि गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट हो गई है, उस एक्सटेंट तक आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हुई मानी जाएगी। तीसरी बात दोस्तों, इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता है जो अमाउंट आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ड्यू डेट से पहले जमा कर दिया है। यदि आप ड्यू डेट के बाद अमाउंट जमा करेंगे तो उस केस में ही इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आप जीएसटी 3B लेट फाइल करते हैं तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप जो टैक्स है वो टाइमली जमा कर दें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जीएसटी पोर्टल पर, ताकि आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी ना आए। दोस्तों आप इस जजमेंट को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। दोस्तों आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करके। व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल में ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।